सुबह हो गई, ये लड़का अभी तक उठा क्यों नहीं है? फुरकान उठो भाई, कोर्ट जाना है, फिर बोलोगे उठाया नहीं, देर हो जाएगी ना, उठ जाओ। फुरकान फुरकान, फुरकान, या अल्लाह ये तो लग रहा है मुझे घर ही नहीं आया है। वसीम वसीम वसीम, नीचे आए। वसीम, फुरकान घर ही नहीं आया है, और उसकी बेड की हालत देखिए, मुझे लग रहा है वो पूरी रात गायब था। इसमें परेशानी की क्या बात है? अभी किसी दोस्त के पास गया होगा, पहले भी कई मरतब ऐसे कर चुका है वो। ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब फुरकान बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, पूरी रात घर नहीं आया है। वसीम, मेरा मेरा दिल घबरा रहा है, आप पता करें कहाँ है। रुक जाओ एक मिनट। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी दोस्त के रात को रुक गया होगा, अभी थोड़ी देर में हंसता खेलता आ जाएगा, तुमसे नाश्ते की फरमाइश करेगा, जब तक हम नाश्ता करते हैं आ जाएगा। नहीं 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 वसीम, मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप फोन करें, कहीं भी पता करें। अच्छा, अरसलान कहाँ गया? सुबह 8 बजे निकल जाता है ना, आप फोन करके देखिए। फुरकान आ जाए। अच्छा आ जाओ, कुछ भी वसीम पता करें, देखिए दोस्तों को। अरे आ जाएगा ना, मैं जब कह रहा, मेरी बात अजमार नहीं की, अजमार करो ना मेरी बात। चलो अभी आपको क्या लगता है, इन सब चीजों में मेरी गलती है? नहीं, लेकिन तुमसे शिकवा जरूर है। अगर तुम चाहती तो हालात इससे बहुत बेहतर हो सकते थे। अभी आपको तो पता, मैं शुरू दिन से इस रिश्ते से राजी नहीं थी। जानता हूं, लेकिन तुम ही ने आके अपनी सास का पैगाम दिया था कि अगर हम रिश्ता ये खत्म कर देंगे तो वो लोग रिश्ता डाल देंगे। मुझे क्या पता था कि मेरी सास मुकर जाएगी और मुझे मेरे ही घर वाले मुजरिम समझेंगे। इन सब चीजों में तो नुकसान मेरा, अरसलान हाथ पकड़ के मुझे यहां छोड़कर चला गया, इस शर्त पे कि घर वाले आके उससे माफी मांगेंगे। अभी आप मुझे बताएं, मैं किससे जाके अपना दुख बयान करूं? ये तुम्हारी सास ने खामखा की पक डाल दी है। अरे तबस्सुम जाके उनसे क्यों माफी मांगे? अरे इस नहज तक तो उन लोगों ने पहुंचाया है ना। मैं अरसलान को यहां बुलाऊंगा और उसे कहूंगा कि तुम्हें ले जाए। अभी आपको क्या लगता है, ये सब कुछ इतना आसान है? ये सब कुछ इतना आसान होता वो कभी मुझे यहाँ छोड़ के मत जाता। हो सकता है कि उसने अपने घर वालों का गुस्सा उस वक्त देख के यही बेहतर समझा। खैर फिक्र मत करो, मैं उसे यहां बुलाऊंगा और बैठकर उससे बात करूंगा। फिलहाल तुम ऐसे करो कि अपनी माँ को जाके देखो, टेंशन की वजह से रात से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सर में दर्द है उसके। क्या देखो उसे, शाबाश। मैं देखती। चीप।